उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने बर्तन बाजार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया। युवा प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन गुप्ता ने बताया कि ये हमारे लिए गौरव के क्षण हैं। हम सब भारतवासी अपने देश के वीर योद्धा का अवतरण दिवस मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्यापारी वर्ग केंद्र सरकार के साथ है और हम सभी ने 5 पौंड का केक और 11 लड्डू का वितरण बाजार में किया। व्यापारी नेता अजय अग्रवाल ने कहा कि प्रभु मोदी जी को दीर्घायु प्रदान करें। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन गुप्ता, हरीश भसीन, शरद चतुर्वेदी, अजय सहगल, अमीश अग्रवाल, आकाशदीप अग्रवाल, शिवम गुप्ता, संजय सहगल, पवन अग्रवाल, मनोज अग्रवाल आदि मौजूद रहे। टीवी चैनल से बात करते हुए विपिन गुप्ता ने कहा कि आज हम सभी व्यापारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। भारत देश को पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर काम किया। देश आज उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। व्यापार के क्षेत्र में हम सब बेहतर काम कर रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। हम आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को स्वस्थ रखें और देश के लिए कार्य करते रहें। आज उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम सद्य आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां अवतरण दिवस हम समस्त व्यापारियों ने बड़ी धूमधाम से बर्तन बाजार में मनाया और केक काटा। सर्वप्रथम सबसे पहले माननीय मोदी जी को चित्र पर खिलाया, उसके बाद सभी व्यापारियों को खिलाया, लड्डू बांटे और ढोले की थाप पर सभी व्यापारी ने डांस किया। देखिए मोदी जी ने शुरू से गरीब तबके लोगों को उठाया है और इसी क्रम में आज भी उठा रहे हैं और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जिस उस पर चले आगे भी निरंतर चलेंगे। और हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, 2024 का बिगुल भी आज माननीय मोदी जी के अवतरण दिवस से बन चुका है और बिगुल बच चुका है। अब देखिए 2024 में निश्चित रूप से बड़ी अच्छी जीत हासिल करेंगे।